हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी इंटरप्राइज़ की और इसके अदानी पूरे पूरे ग्रुप की, जो कि इसके ऊपर जो है न्यूज़ आई है कुछ, जो कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो जेन्यून इन्फॉर्मेशन होती है वहीं हम जो है शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा। इसके अंदर सबसे पहले तो अभी देखें तो ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो गिरावट आई, जब ये यहाँ था 2750-2600 रुपये यहाँ पर इसने क्लोजिंग, तो ये 2750 के ऊपर कभी दी ही नहीं अब तक, मतलब कीडन की रिपोर्ट आने के पहले 2650 के आसपास था। तब आप देखें तो यहाँ पर मैंने बोला था, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, एक महीने पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली ऐसे कि थोड़ा नीचे जा सकता है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब ये 2650 था जब, तब सब लोग जो है इसके अंदर 3000 रुपये तक की बात कर रहे थे, और मैं यहाँ पर बात कर रहा था नीचे में जो ये गैप इसने छोड़ा था ना, ये 2340 रुपये, पहले मैं बोला था कि ये इसको फील करेगा उसके बाद ही इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। और उसके बाद ज़रा देखिए, बार बार मैंने बोला, फिर से बोला कि यहाँ पर जो है बार बार बोल रहा हूँ कि सतर्क रहे आगे, और यहाँ पर बोला अब तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहे। ये डेली इसके ऊपर जो है हम अपडेट लाते रहते हैं पूरे ग्रुप के ऊपर, तो अगर आपके इस ग्रुप के अदानी ग्रुप के अंदर अगर शेयर है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और उसके बाद ये देखिए चौथे दिन जो है ये धड़ाम से नीचे गिरा 2475 का प्राइस, और क्लियरली मैंने बोला था कि अब आगे कितनी जो है गिरावट आ सकती है वो भी आप ज़रूर देखें। तो ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तब, मतलब कि जब ये मैं हम जो यहाँ पर वीडियो बना रहे थे, कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब इसके अंदर तो तेज़ी आई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अंदर जो है अच्छी खासी राहत दी है। लेकिन आप ये भी मानकर चले कि इसके अंदर जो है 40% की ऑलरेडी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है तेज़ी आ चुकी थी, तो थोड़ा सा इसका जो है फिर कंसोलिडेशन होना भी ज़रूरी था, और ये गैप फिल हो गया। नीचे में एक और गैप है जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि लोग भी जो है पैनिक में आ जाते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, और वो गैप जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अभी भी दूर है, तो इसके बारे में हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। डेली इसके ऊपर जो है अपडेटेड रहना ज़रूरी है, तभी जो है, क्योंकि खामखा ज़्यादा दूरी की जो है चर्चा करना बेफिजूल है। और आगे जैसे कि यहाँ पर भी मैंने जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूँ कि परसों ही इसके ऊपर जो हमने वीडियो बनाया था जब इसके अंदर बैड न्यूज़ आई थी, और बोला था कि अभी सपोर्ट नहीं तोड़ा है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। ये तो अदानी टोटल गैस की बात है, पूरे ग्रुप के ऊपर भी हमने यहाँ पर वीडियो बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब ये इसका जो है पॉजिटिव असर दिख सकता है कि बुरी खबर के बाद अच्छी खबर आई है। जब अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर एक अच्छी खबर आई थी, साथ ही साथ ये रशिया की न्यूज़ थी, इसके ऊपर भी मैंने बोला था कि ज़्यादा चिंता करने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और ये कल के दिन जो कि ये इसके एबिटा के ऊपर जो न्यूज़ आई थी, और क्लियरली मैंने बोला था कि इसके अंदर जो है अब एक थोड़ा सा जो है एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है, और आज बिल्कुल वही हुआ। एक्चुअली छोटा नहीं बल्कि ये 4.5% की तेज़ी थी अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर। साथ ही हमारे दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए, एससीसी का शेयर जो कि 24 तारीख को हमने शेयर किया था 20 रुपये के ऊपर था, आज इसके अंदर अभी देखें तो 8% की तेज़ी थी इंट्राडे के अंदर, और दोपहर में ये 3:30 बजे के आसपास भी अगर देखें तो 5% की तेज़ी इसके अंदर थी। अब आगे देखते हैं इसके अंदर न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले तो अभी देखिए, और इसके भी पहले अगर आप मैं बताऊँ जो कल वीडियो बनाया था इसका जो है इसका आर्टिकल अब यहाँ पर भी है कि ये तेज़ी की वजह जो कि है, जैसे कि अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट और अदर अदानी स्टॉक ट्रेड हायर्स एज ग्रुप शेयर्स एबिटा प्रोजेक्ट्स। तो जो मतलब कि ये कल हमने जो वीडियो बनाया था इसी के ऊपर जो है ये आज का यहाँ पर जो है दोपहर का ये जो है आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तेज़ी की वजह यहाँ पर इसी न्यूज़ के चलते यहाँ पर ये दिखाई गई है। तो कल ही जो है हमने इसके ऊपर बात की थी, चर्चा की थी वीडियो के अंदर। तो जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स वो जो है हम शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ ही साथ जो इसकी एनुअल जनरल मीटिंग है उसकी तारीख जो है आ गई है, और आप देख सकते हैं कि ये हालांकि 24 तारीख को जो है ये इसका ऐलान हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि इसके बारे में तो कोई बात कर ही नहीं रहा है बेफिजूल की। कई लोग जो है मतलब कि चर्चा कर रहे हैं लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे, हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है। बिकॉज इसका रीज़न है कि ये पूरे साल भर में पूरे ग्रुप की जो है एनुअल जनरल मीटिंग है, इसके अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर आपको बताऊँ तो यहाँ पर 2020 में उसकी भी यहाँ पर चर्चा हुई है कि कब इसकी मीटिंग थी, 2021 में क्या कब ही थी, 2022 में, 2022 के दिसंबर में, और अब ये जो जनरल मीटिंग है वो 18 जुलाई 2023 को, यानी कि अभी ये महीना तो पूरा होने को ही है, और एक आध छुट्टी भी है इस हफ्ते, 18 दिन आपको लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अगर दिन देखें तो 10 से 12 दिन ही बाकी है इसके 18 जुलाई को। तो मतलब कि ये काफ़ी अहम दिन हो सकता है, और तब तक जो है इसके ऊपर हम नज़र भी रख सकते हैं कि इसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ें हो सकती है, हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट हो या फिर कुछ फैसले भी लिए जाए। देखना बनता है कि इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या होता है। तो ये आज की जो है आज की नहीं बल्कि भले ही 24 तारीख की है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि ये एनुअल जनरल मीटिंग जो है इसकी तारीख आ चुकी है, तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं। ये पूरे ग्रुप की यहाँ पर जो है बात हो रही है, और जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर ही जो है इन्होंने ये कहा है जो कि इसकी मेन कंपनी है, और जिस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अदानी एंटरप्राइज की तरफ से जो है ये बताया गया है एनएससी को, तो इसको जो है आप नोट करके रख सकते हैं। दूसरी एक अहम खबर है इसके अंदर अदानी पावर के अंदर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप इस एक ही कंपनी के अंदर ये न्यूज़ आई है तो पूरा ग्रुप को इसके जो है लाभ कैसे मिल सकते हैं, तो वो भी आपको जो है समझना जरूरी है। और ये भी बिल्कुल आज की खबर है दोपहर 2 बजे के आसपास की। इसका जो है पावर प्लांट जो है सेकंड पावर प्लांट वो झारखंड के अंदर थर्मल पावर प्लांट, और थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है जो भाप से बिजली पैदा करते हैं। हम जो है आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी आप जरूर देखें। थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है भाप से बिजली पैदा करते हैं, और भाप किसी भी तरह कैसे जो है बनी जाती है, वो चाहे कोयले से हो चाहे फ्यूल से हो इस तरीके से। तो वो जो पावर प्लांट है वो कमीशन यानी कि चालू किया है आज, तो उससे जो है अदानी पावर का शेयर तो जो है अच्छा खासा इसके अंदर भी तेज़ी रही, और अदानी इंटरप्राइजेस का भी चार्ट देखेगी अदानी पावर का भी।
और ये कितना मेगावाट का है, तो यहाँ पर भी ये भी आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 800 मेगावाट का है उसकी कैपेसिटी। और यहाँ पर आगे देखें तो ये जो है आई थिंक बांग्लादेश के अंदर जो है इसकी बिजली का सप्लाई करने वाले हैं, ऐसा कि मतलब कि आगे यहाँ पर देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी टोटल कैपेसिटी अगर देखें तो 748 मेगावाट की है, ये नेट कैपेसिटी है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बांग्लादेश के साथ करार किया गया है झारखंड बेसिस, और ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 25 साल के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इससे एक अभी जो है एक जो रेवेन्यू है वो जो है जनरेट होने लगेगी, क्योंकि ये कैपेसिटी जो है काफ़ी बढ़िया है 750 मेगावाट के आसपास की। तो जैसे जैसे इस तरीके से इसके जो भी प्लांट है कमीशन, जैसे कि ये तो अदानी पावर की बात हो गई, अब अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो उसके अंदर भी पिछले समय में अभी अगर देखें तो पिछले महीने में एक बड़ा जो पावर प्लांट था वो उसका जो है पूरा हुआ था, कमीशन चालू हुआ था वहाँ पर भी, मतलब कि वो पावर प्लांट चालू हुआ था। जो जैसे जैसे इस तरीके से इसके प्रोजेक्ट पूरे होते रहेंगे तो पूरे ग्रुप का, अभी इसके अंदर अदानी पावर की बात करें लेकिन ये पूरे ग्रुप के अंदर जो इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ता रहेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है इस तरीके से इन पूरे ग्रुप का जो है इसके शेयर जो है उसके अंदर भी एक अच्छा खासा स्पाइक धीरे धीरे जो है आ सकता है, और पूरे ग्रुप की हालत जो है सुधर सकती है। अभी सुधरी हुई ही है लेकिन ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट जब से आई है तब से लेकर अब तक थोड़ा सा ये जो है अभी प्रेशर बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इस तरीके से इसका जो प्रोजेक्ट जो है वो पूरे होते रहेंगे, भले ही अदानी पावर हो या अदानी पोर्ट हो या फिर कहीं भी किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट इसका पूरे हो गए तो उससे जो है इसकी रेवेन्यू चालू होती है, तो ये पूरे ग्रुप के लिए एक अच्छी बात रहती है। अब आगे इसके दोनों का ही चार्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देखें तो ये जैसे कि ये तो इसका एक गैप फिल हो गया, अभी 285 के आसपास ने इसने क्लोजिंग दी है और तकरीबन 3% के आसपास की तेज़ी रही, और एक समय था जब इसके अंदर 4.5% की तेज़ी थी, और आज का भी लो अगर देखें तो 2150 के करीब इसने बनाया। तो यहाँ पर अभी देखें तो इसका 15 मिनट का चार्ट सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। तो इन द शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो यहाँ पर जो है अभी ये सवेरे भी हमने बात की थी कि 2400 के आसपास जो है अभी एक तगड़ा यहाँ पर रजिस्टर दिख रहा है। पहले ये रजिस्टर अगर देखें तो 2500 के आसपास था, उसके पहले 2600 के आसपास था, धीरे धीरे ये रजिस्टर जो है ये नीचे खिसकता जा रहा है, और अभी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम सा सिचुएशन बना है। तो फर्दर तेज़ी इसके अंदर, हाँ बड़ी तेज़ी कब आएगी तो अब जो है ये आ सकती है, लेकिन अभी इसको ये 2400 से 2430 का जो जोन है इसको पार करना ज़रूरी है। और इसका रीज़न भी है, जैसे कि यहाँ पर ये वीकली चार्ट के ऊपर जब आप देखें तो ये यहाँ पर एक लंबा चार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने एक इसके अंदर गिरावट रही, और अब इसका ब्रेकआउट अगर देखें, एक ब्रेकआउट तो इसका ऑलरेडी हो चुका था जब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने ये जब सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ आई थी, लेकिन उसके बाद ये दूसरी ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो उसका जो ब्रेकआउट है यहाँ पर जो है ये टिक किया हुआ है इस हफ्ते का ये वीकली चार्ट के ऊपर। तो ये जो लेवल है तकरीबन 2430 है, और आने वाले हफ्ते में ये और नीचे आ जाएगा तकरीबन 2400 के करीब, लेकिन इस हफ्ते अगर ये 2430 को सक्सेसफुली क्रॉस करता है तब जो है एक पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके अंदर फर्दर तेज़ी आ सकती है, जो कि इसको 2500 से 2600 तक इन द शॉर्ट टर्म भी ले जा सकती है, लेकिन पहले 2400 से 2430 का प्राइस को जो है पार करना ज़रूरी है। और आगे इसके सपोर्ट भी हम देख लेते हैं, रजिस्टर हमने ऑलरेडी देख लिया, सपोर्ट सबसे पहला यही दिख रहा है इस हफ्ते का लो, और इसके प्रीवियस हफ्ते का भी लो जो कि 2150 का जोन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इससे भी पहले का अगर सपोर्ट देखें तो वो तकरीबन 2220 के आसपास दिख रहा है। तो इन द वेरी शॉर्ट टर्म कल और परसों की अगर बात करें तो दोनों जो है ये सपोर्ट दिख रहे हैं, और रजिस्टर जो है हमने ऑलरेडी देख लिया 2400 से 2430, और अगर उसको पार करता है तब इसके अंदर जो है ये मानकर चल सकते हैं कि ज़्यादा तेज़ी की पॉसिबिलिटी है। अब अदानी पावर की बात करें तो अभी 250 का प्राइस है, इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी थी 3.5% के आसपास की, और यहाँ भी अभी देखें तो एक तेज़ी का चैनल ही चालू है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा जूम किया हुआ चार्ट है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने जो है ये कल जो अमेरिका से खबर आई थी एक इसने ब्रेकडाउन दिया है ये इस तेज़ी के चैनल को, लेकिन फिर से अब इसको जो है पार करने के लिए यहाँ तक इसको आना पड़ेगा जो कि 265 का जोन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अभी ये एक मतलब कि ये ब्रेकडाउन सा यहाँ पर दिया है, और इसका वीकली चार्ट अभी देखें तो जैसे कि यहाँ पर अभी भी ये जो है तेज़ी का चैनल चालू लग रहा है। तो अगर निफ्टी की अगर बात करें, अब सब कुछ सही रहता है, इस ये भी जो है ये 280 से सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ से 300 तक जा सकता है, 300 से 320 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये जैसे कि तेज़ी का चैनल चालू है तो आप यहाँ पर जैसे कि ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, और अब जो है यहाँ से ये फिर से जा सकता है अगर सब कुछ बढ़िया रहा, और उसके लिए जो है बाजार का सही रहना ज़रूरी है, और अगर एटलीस्ट स्टेबल रहा या फिर न्यू हाई के करीब है निफ्टी, तो अगर ये न्यू हाई बनाता है तो इसके अंदर भी जो एक अच्छा खासा स्पाइक आ सकता है, तो इसके ऊपर भी आप जो है नज़र बनाकर रख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो नीचे में सपोर्ट अगर देखें तो 235 से 230 का जोन दिख रहा है, और अगर रजिस्टर की बात करें कल और परसों की यानी कि एकदम से शॉर्ट टर्म की, तो 260 से लेकर 265 का जोन जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर रजिस्टर दिख रहा है। तो दोनों की हमने बात की, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। और जो न्यूज़ थी उसके ऊपर जो है इसकी एनुअल जनरल मीटिंग है, इसके ऊपर जो है आपका ध्यान जरूर रहना चाहिए 18 जुलाई को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद डिसीजन ले, तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही रही है। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।